Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. नमस्कार, मैं आशुतोष भारद्वाज सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु के आद्रा नक्षत्र में प्रवेश के दौरान 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी बात करने से पहले सबसे पहले हम कुछ आद्रा नक्षत्र के विषय में जान लेते हैं। आद्रा नक्षत्र नक्षत्र मंडल का छठा नक्षत्र है। यह नक्षत्र जो है वो मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। मिथुन राशि में कुल तीन नक्षत्र आते हैं, मृगशिरा, आद्रा और पुनर्वसु। वर्तमान में राहु पुनर्वसु नक्षत्र में है, जो बृहस्पति का नक्षत्र है, और इसके उपरांत राहु आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो इनका स्वयं का नक्षत्र है। तो राहु का चूंकि स्वयं का नक्षत्र आद्रा है, तो आद्रा नक्षत्र में ही राहु का भ्रमण इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आद्रा नक्षत्र भगवान शिव के रुद्र रूप को प्रदर्शित करता है और आद्रा नक्षत्र तुरंत होने वाली घटनाओं को दिखाता है। आद्रा नक्षत्र का जो प्रतीक है वो है आंसू की बूंद, और आप देखेंगे कि जो आंसू की बूंद है वो दो प्रकार से निकलती है। एक तो खुशी के आंसू होते हैं और एक दुख के आंसू होते हैं। तो जिन लोगों का भी शुभ कर्म है या जिन्होंने शुभ कर्मों को किया है, उन लोगों के लिए आद्रा नक्षत्र खुशी के आंसू के समान है, और जिन लोगों ने कुछ गलत कर्मों को किया है, उन लोगों के लिए यह नक्षत्र वियोग का कारण बनता है। आद्रा नक्षत्र के अंदर राहु का भ्रमण व्यक्ति के अंदर एक विशेष बौद्धिक कौशल का निर्माण करता है। आद्रा का सामान्य अर्थ होता है नमी। अतः जब कभी भी कोई पापी ग्रह या यूं कहे क्रूर ग्रह, जैसे सूर्य हो गए, शनि हो गए, मंगल हो गए, ये आद्रा नक्षत्र में स्थित होते हैं, तो इनकी गर्मी में थोड़ी कमी आती है। अर्थात कि आद्रा नक्षत्र में पाप ग्रहों का बैठना काफी शुभ माना गया है। अब हम शुरू करते हैं कि राहु के आद्रा नक्षत्र में भ्रमण के दौरान 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव होगा। इसको शुरू करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि सूक्ष्म विवेचन के लिए व्यक्ति की कुंडली का अध्ययन करना आवश्यक होता है। उसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजों को देखनी पड़ती हैं, जैसे कुंडली का लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र के अधिपति कौन से हैं, अन्य ग्रहों के साथ स्थितियां क्या बन रही है। तो इन सभी बातों का अध्ययन करना पड़ता है और तब जाकर के एक निष्कर्ष निकालना पड़ता है। ये जो राशिफल कहा जा रहा है, ये सभी राशियों के लिए एक सामान्य सा विवेचन है। परंतु इसके साथ साथ एक चीज मैं और बताऊं कि जिन लोगों की भी कुंडली में शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, राहु बहुत अच्छी स्थिति में है, उन के लिए, या फिर शनि का महादशा चल रहा है, राहु का महादशा चल रहा है, तो उन लोगों के लिए ये भ्रमण काफी शुभ परिणाम लेकर के आने वाला है। अब हम बात करते हैं विभिन्न राशियों के लिए राहु का आद्रा नक्षत्र में भ्रमण कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न वालों के लिए। मेष लग्न के लिए राहु शुभ प्रभाव को बढ़ाने वाला होगा। आर्थिक लाभ के अनेकानेक अवसर प्राप्त होंगे। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। एकाएक यात्रा करना पड़ सकता है, यात्राओं से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट कचहरी में यदि कोई मुकदमा लंबित है तो उसके शुभ परिणाम आने की संभावनाएं बनती हैं।
दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, मौसम संबंधी जो बीमारियां होती हैं उससे कष्ट प्राप्त हो सकता है, व्यापारी वर्ग के लिए अपेक्षित लाभ होने से मन हर्षित होगा। अब बात करते हैं वृष लगन वालों के लिए। तो वृष लगन वालों को अपने परिवार में थोड़ी सामंजस्यता बना करके चलनी होगी, धार्मिक आयोजन होंगे, उत्सवों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा, पुराने मित्रों से मुलाकात संभव है, शरीर में थोड़ा आलस्य होगा, थोड़ा थकान होगा, जीवन में आई समस्या को अपने आत्मबल से सुलझाने में समर्थवान होंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, विरोधी परास्त होंगे, और जिस स्थान पे भी आप कार्य कर रहे हैं वहां उच्च अधिकारियों से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, अतः कार्य स्थल पर विवाद से बचें। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन वालों के लिए कुछ दिनों से जो प्रतिकूलता चली आ रही थी वो प्रतिकूलता कम होती हुई प्रतीत होगी, अनावश्यक खर्चे कम होंगे, उच्च अधिकारियों से और सहकर्मियों से अच्छे संबंध रहेंगे, उत्साह और पराक्रम में वृद्धि होगी, अपेक्षित लाभ की प्राप्ति होगी और अपेक्षित लाभ मिलने से मन हर्षित रहेगा। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन वालों के लिए सफलता का समय है, घर में कुछ रिनोवेशन वगैरह का काम हो सकता है, नवीन वस्तुओं के खरीदारी करने के योग बन रहे हैं, पैर में दर्द रह सकता है, नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों को नई उम्मीद प्राप्त हो सकती है, शादी विवाह जैसे उत्तम उत्सवों पर कुछ खर्च कर सकते हैं, भाग्य उत्तम। अब बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। इस लगन वालों के लिए राहु का आद्रा नक्षत्र में भ्रमण मौज मस्ती लेकर के आएगा, रुके हुए काम बनेंगे, उच्च अधिकारियों से या बड़े बड़े लोगों से संबंध बनेगा, कामकाज में मन लगेगा, सकारात्मक विचार का अभ्युदय होगा, व्यापार के विस्तार की योजनाएं जो काफी समय से लंबित चल रही थी वह पूरी होने की संभावनाएं बनती हैं, आत्मविश्वास और मनोबल से विरोधियों को परास्त करने में समर्थ होंगे, सक्षम होंगे। अब बात करते हैं कन्या लगन की। इस लगन वालों के लिए राहु का भ्रमण अदम्य उत्साह, साहस और पराक्रम लेकर के आएगा, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात होंगे या मुलाकात होने के अवसर बनेंगे, दैनिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी, कार्यों को पूर्ण करने के लिए विशेष मेहनत की आवश्यकता होगी, घर में किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, अधिक व्यस्तता के कारण शरीर में थकावट महसूस हो सकती है, खुद के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन वालों के लिए इस दौरान उत्साह और पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, घरेलू समस्याएं बाधित कर सकती हैं, कुछ परेशान कर सकती हैं, आपके विरोधी पक्ष से जो विवाद चला आ रहा था उसमें अनुकूलता प्राप्त होने के योग दिखते हैं, अपने सहकर्मियों के साथ संबंध को अच्छे रखें, शांति और धैर्यपूर्ण व्यवहार करें, वाणी पर संयम रखना हितकर होगा, अनावश्यक वाद विवाद से बचें, और जो भी व्यक्ति विद्यार्थी वर्ग के हैं उनको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, सफलता मिलने के योग दिखते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन वालों के लिए यह गोचर शुभ समाचार को लेकर के आ रहा है, मांगलिक कार्यों की योजनाएं बनेंगी, कार्यालय में बेहतर परिस्थिति का निर्माण होगा, निकट भविष्य में शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, शुभ समाचार मिल सकते हैं, नौकरी पेशा में जो लोग हैं उनके ट्रांसफर की संभावनाएं बनती हैं, अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में सफल होंगे, व्यवसाय की प्रगति से संतोष का अनुभव होगा, आमोद प्रमोद के साधन उपलब्ध होंगे, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। अब बात करते हैं लगन की। इस लगन के लिए यह गोचर पारिवारिक जीवन में थोड़ी उलझने ला सकता है, समाज में थोड़ी नकारात्मक छवि आ सकती है, इसके बावजूद सफलता की राह पर आगे बढ़ेंगे,
उत्साह आपका चरम पर रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं या विदेश जाने के लिए कई दिनों से प्रयत्नशील हैं, उन्हें विदेश जाने का सौभाग्य। अब बात करते हैं मकर लग्न की। इस दौरान आप शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि कोर्ट केस जो कई दिनों से चला रहा हो उसका परिणाम आने का संभावना बनता है, आपको अपनी आत्मिक ऊर्जा केंद्रित करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरे पर अपना प्रभाव छोड़ने में सक्षम होंगे। व्यवहार में विनम्रता बढ़ेगी तथा धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। व्यापार के निवेश में मानसिक परेशानी के साथ लाभ का संयोग दिखता है। घर परिवार में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की। इन लोगों के लिए मांगलिक कार्य की योजनाएं बनेंगी। घर में विवाह शादी के योग बनेंगे। व्यापार में प्रगति से व्यवसायियों को या व्यापारियों को संतोष का अनुभव होगा। भावी योजना की रूपरेखा बनेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में सफल होंगे। भाग्य का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए यह गोचर काफी अनुकूलता लेकर के आएगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न वालों को घर परिवार में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। पुराने कार्यों से सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग के जो लोग हैं उनकी अध्ययन की सक्रियता बाधित हो सकती है। इन लोगों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कुछ अप्रत्याशित उलझने भी आ सकती हैं, परंतु मुख्य बात यह है कि समस्याओं का समाधान होने से मानसिक शांति का भी अनुभव होगा। मेरे द्वारा 12 राशियों का राहु के आद्रा नक्षत्र में भ्रमण के दौरान किस प्रकार समय व्यतीत होगा बताया गया। अब अंत में उपाय की बात करते हैं। जिन लोगों को भी राहु के आद्रा नक्षत्र में भ्रमण के दौरान परेशानी हो रही हो या किसी प्रकार की पीड़ा हो रही हो, उन लोगों को भगवान शंकर की शरण में जाना चाहिए और उनकी आराधना करनी चाहिए। इससे शुभ परिणाम में वृद्धि होगी। अगले किसी अन्य विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।